नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सेल्स बोकारो में जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है उसका मैं जीके का वन लाइनर आपको कराने वाला हूँ। यानी एक वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके जीके के होते हैं मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक सेल्स बोकारो के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हैं। यदि आपको टेक्निकल पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से टेक्निकल पीडीएफ भी देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए, आइए करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। जो अमेरिका की राजधानी है यानी वॉशिंगटन डीसी, वो जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पे ही अमेरिका की राजधानी का नाम रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। जितने मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सारे आपके पेपर्स में आए हुए हैं। इसके बाद पूछा गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो हमारा आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सारे बैंकों का बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, जो बैंकों की जितनी भी लेन देन होती है सबकी देख रेख करता है। तो जो इसका मुख्यालय नहीं, जो जो इसका हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं, वो आप ये मुंबई में है। नेक्स्ट पूछा गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये किस स्टेट से बिलोंग करते थे दोस्तों? तो ये बिहार से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका चुनाव आपका 6 वर्ष के अवधि के लिए किया जाता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं यानी जो आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका जो चयन होता है यानी उनका चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। जितने भी आपके एमपी होते हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी ये होते हैं लोकसभा के सदस्य। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये आपकी है 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये आपकी 35 वर्ष। जो आपका प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो सबसे न्यूनतम आयु मांगी जाती है वो आपकी मांगी जाती है 25 वर्ष। यानी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसका जो आपका है राज्यसभा में जो सदस्यों का जो चुनाव होता है ये आपका होता है केवल 2 साल के लिए। इसका कार्यकाल तो 3 साल का होता है लेकिन इसका जो चुनाव जो होता है इसका है 2 साल के लिए चुने जाते हैं सदस्य। बाकी हर 2 साल बाद 2/3 सदस्य, जितनी भी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है सर 250 है, तो इसका 2/3 सदस्य हर 2 साल बाद अपने पद से, मतलब अपने पद से हट जाते हैं, उनकी जगह नए राज्यसभा सदस्य आ जाते हैं। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये ऐसे चलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, शून्य की खोज किसने की थी? तो जो शून्य होता है, शून्य की खोज किसने करी थी? आर्यभट्ट ने करी थी। किसी भी संख्या से के पहले यदि आप शून्य लगा दोगे तो उसकी वैल्यू 0 है, यदि आप किसी भी संख्या के बाद शून्य लगा दोगे तो उसकी वैल्यू बहुत है। तो शून्य का अपना एक महत्व है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी जो लिपि ये है आपके देवनागरी। एक आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि पंजाबी भाषा, जो पंजाबी भाषा होती है पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि होती है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है उसका नाम है गुरुमुखी। उस लिपि का नाम है गुरुमुखी, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका पूछा गया है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है? नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि किस देश का था? ये था यूएसए का साइंटिस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका पूछा गया हमसे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों महाद्वीपों की संख्या 7 है, ये भी आपको याद रखना है। और एशिया जो महाद्वीप है ठीक है, इसमें हमारा भारत आता है। इसका पूछा गया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसका पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम
प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई थी? तो भारत में जो प्रथम विद्युत रेल है आपको 1925 ईस्वी में चलाई गई थी, यानी जो आपकी ट्रेन थी, पहले तो आपकी ट्रेन चलती थी कोयले से, उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिक आया, ठीक है, जो इस तरह की आपने देखी होगी, ये आपकी वायर होती है, इस पर इस तरह से ऐसे बना होता है, ठीक है। इसका तो पूछा गया है महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था, तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। इनको राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन था इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, यानी विश्व में, इंडिया में नहीं पूछा, सब विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो ये आपका टोक्यो। टोक्यो कहाँ है, जापान में स्थित है, जापान की राजधानी है टोक्यो, सबसे अधिक जनसंख्या वाला ये आपका शहर है यानी सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका जेम्स प्रिंसेप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख थे वो दो लिपि में लिखे गए थे, एक तो ब्राही और दूसरा लिखा गया था आपका खरोठी, इन दो भाषाओं में अशोक के अभिलेख लिखे गए थे, ठीक है। और इसको सबसे पहले किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की, तो जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जो कि एक इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कालिदास को। इसका पूछा गया है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपके सुपीरियर झील, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बुलर झील, और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जे एंड के एन जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किस ग्रह को सामदे का तारा कहा जाता है, नहीं किस ग्रह को साम का तारा कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका शुक्र ग्रह को। इसके बाद पूछा गया, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में किया जाता है, तो जो आपका इंसुलिन होता है इसकी खोज किसने करी थी, सबसे पहले क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाता है इंसुलिन की खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज करी थी बैटिंग ने, और इंसुलिन का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों ये आपका मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगियों को सही करने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट पूछा गया है, शहीद ए आजम नाम से कौन जाने जाते हैं, तो भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तेलंगाना भारत की राजधानी कौन सी है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है, तो तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है, हैदराबाद। इसके बाद पूछा गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, पहले भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद पूछा गया, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो मनुष्य के शरीर के सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, ये कहाँ पाई जाती है, ये आपके कान में पाई जाती है, कान में, और इस मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये होती है फीमर, ये होती है आपकी फीमर, ये होती है कौन सी, जांघ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म आपको पता ही होगा 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो कागज का आविष्कार आपके पास चाइना में हुआ था, चीन में। इसका पूछा गया, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, और सबसे नया वेद कौन सा है, तो वो है आपका अथर्व वेद। वेदों के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है आप, ठीक है, यदि आपने वो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें वेदों से रिलेटेड यानी जो वेदों का बेसिक कंसेप्ट होता है कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन से वेद में किस मंत्र को शामिल किया गया है, ठीक है, ये मैंने समझा। इसके बाद जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे गए, चाहे SSC का एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हो, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करा रखे हैं, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो दूरबीन का आविष्कार किया गैलीलियो ने,
इसका तो पूछा गया विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है और आपका ये भी क्वेश्चन। इसका तो पूछा गया वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था, तो वास्को डी गामा आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। इसका तो पूछा गया प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ हुई थी और ये कब समाप्त हुई, तो 1956 में। पंचवर्षीय का योजना का अर्थ था जो योजनाएं 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता, तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। एच का मतलब हाइड्रोजन, टू का मतलब टू, ओ का मतलब ऑक्सीजन, ये होता है पानी का रासायनिक सूत्र। इसका पूछा गया भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है, तो भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम, एक है आपका भारत का राष्ट्रगान यानी जनगण मन अधिनायक जय है, वो लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और ये लिखा है भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसका पूछा गया गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है, तो सूर्य जैसा कि आपको पता होगा पूर्व से निकलता है, पूर्व में सबसे पहला राज्य भारत का अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पहले जो सूर्य आपका अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है और निकलता है। अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान का जो टाइम है सूर्य निकलने का, इसमें 1 घंटे 38 मिनट का अंतर है, ये भी आपको याद रखना है दोनों के टाइम में। बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 में। इससे पहले भारत की राजधानी कौन था, कौन सा स्टेट था, कोलकाता। नेक्स्ट इसके बाद पूछा गया इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो किसने दिया, भगत सिंह ने। महाभारत के रचयिता कौन है, महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेद व्यास। महाभारत का एक दूसरा नाम है, इसका नाम है रजमनामा, और इसका एक दूसरा नाम और है जय संहिता। जय संहिता महाभारत का दूसरा नाम है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। महाभारत का एक और नाम क्या है, रजमनामा। रजमनामा क्या है, एक फारसी नाम है ये। महाभारत को अकबर ने फारसी भाषा में ट्रांसलेट करवाया था और उसका नाम रखा गया था रजमनामा। रजमनामा का अर्थ था युद्धों की पुस्तक। तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो तीनों मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट पूछा गया है, तो यही आपके जितने हैं ये क्वेश्चन आपके यहीं समाप्त होते हुए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।